सप्तम कालरात्रि से भगवती कालरात्रि का स्वरूप बहुत विकराल है। विस्फारित नेत्र हैं, गाढ़े काजल के समान उनका वर्ण है, केश बिखरे हुए हैं, विवस्त्रा हैं और खरा हुआ है, यानी गधे पर सवार हैं और उनके हाथ में खड़ग और वज्र धारण किए हुए हैं और अपने भक्तों को वर और अभय प्रदान करते हुए भगवती कालरात्रि का ध्यान करते हैं। भगवती कालरात्रि भगवती कालिका का एक स्वरूप है। काली काली महाकाली कालरात्रि नमोस्तुते, भगवती का ध्यान करें और भगवती कालरात्रि का ध्यान करने से और उनकी पूजा अर्चना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। भगवती ने कंटकों के आभूषण धारण किए हुए हैं, इसका अर्थ है कि भगवती कालरात्रि की उपासना करने से जहाँ एक ओर अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान का आलोक जो साधक के जीवन में फैलता है, क्योंकि जो खर है अर्थात जो गधा है वो अज्ञानता का सूचक है, उस पर सवारी का अर्थ है कि भगवती अज्ञान को हरण कर ज्ञान का आलोक साधक के जीवन में फैलाती हैं। और वहीं साधक के मार्ग में आने वाली जितनी कंटक हैं अर्थात जितनी कठिनाइयाँ हैं जितने संकट हैं उन सबको दूर कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराती हैं। भगवती कालरात्रि का पूजन करने से उनका ध्यान करें। ध्यायेत काली महामायतनेत्राम बहुरूपिणीं चतुर्भुजाम लज्जिजाम पूर्णचंद विमानम नीलोत्पल पख्याम शत्रु संग विदारणीम नरमुंडम तदा खड्गम कमलम मर्दम तदा विभ्राणा रक्तवंदाम दंशाली घोरूपिणीम अटाटाज नेताम सर्वदा च दिगंबराम शवासन स्थान देवी मुंडमाला विष्टाम। भगवती कालरात्रि कालिका ही एक स्वरूप है। उस दिन कालिका पीठ में विशेष रूप से भगवती कालिका की मध्यरात्रि के समय पूजा अर्चना की जाती है और उनको नाना प्रकार के स्वादु व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। अगर संभव हो सके तो नीले पुष्प और कमल के पुष्प भगवती को अर्पित किए जाते हैं और भगवती को या तो रात्रि सूक्त जो जहाँ दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में है, ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्त्री संहार कारिणी निद्रां भगवती विष्णु रतुल है तेजस्वे त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं वशिष्ठकार स्वरात्मिका सुधा त्वं अक्षरे नित्या तदा मात्रात्मिका सुधा उर्मात्रा स्था नित्या यानुचार विशिष्ट त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी प्रभा। इस सूत्र का पाठ करने से भगवती प्रसन्न होकर और शत्रुओं पर विजय प्रदान करती हैं और ज्ञान का आलोक जीवन में फैलाती हैं।